हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि राज्य की सभी फैक्ट्रियों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने श्रम कानूनों का उल्लंघन किसी भी रूप में स्वीकार न होने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि राज्य की सभी फैक्ट्रियों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने श्रम कानूनों का उल्लंघन किसी भी रूप में स्वीकार्य न होने की बात कही और निर्देश दिए कि जो फैक्ट्रियां श्रम कानून का पालन नहीं कर रही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान हो और सभी श्रम अधिनियमों और उपनियमों का प्रभावी अनुपालन हो। इसके अलावा सभी निरीक्षण और गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाए। श्रम मंत्री ने श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं पर भी चर्चा की। मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि सभी पंजीकृत श्रमिकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो और जो श्रमिक अभी तक पंजीकृत नहीं है उन्हें भी स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज लेबर डिपार्टमेंट के साथ विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी जो लेबर लॉज हैं उनको सख्ती से पालन कराने के लिए मैंने कहा है। मजदूरों के हक के लिए जो जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को हर फैक्ट्री में हर संस्थान पर जो हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए भी कहा है ताकि मजदूरों को पता लग सके कि उनके हक में क्या क्या है। अनिल विज ने कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल उठाने पर जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। जहां कांग्रेस जीती है क्या वहां ईवीएम ठीक नहीं थी? रिजल्ट निकल गया। लोकतंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जो नालायक बच्चा होता है ना वो यही कहता रहता मेरी शाही डुल गई थी, मेरी कलम टूट गई थी, तो इस प्रकार की ये बातें करते हैं। जब जीते हो तुम हिमाचल में तब ईवीएम ठीक थी, जब कर्नाटक में जीते हो तब ईवीएम ठीक थी, और खड़गे जी हरियाणा में जो आपके एमएलए जीते हैं क्या उनकी मशीनें ठीक थी? अगर खराब थी तो आप एक उदाहरण सेट करो अपने उन एमएलओ को जो यहां से जीते हैं, आप उनका यह कह के रेजिग्नेशन कराओ कि हमारा रिजल्ट तो गलत निकला, ईवीएम ठीक नहीं थी, एक उदाहरण सेट करो आप इसमें। अनिल विज ने कहा कि वित्त विभाग के साथ समन्वय कर लंबित भुगतान जल्द निपटाए जाएंगे ताकि श्रमिकों को इलाज में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक संस्थानों से ये सुनिश्चित कराया जाए श्रम कानूनों और श्रमिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए ताकि श्रमिक अपने अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक हो सके। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।